विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस अब अलग अलग वर्गों के सम्मेलन के जरिए उनसे वादा करने का काम कर रही है और इसी क्रम में राजधानी भोपाल में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कमलनाथ ने ओबीसी की जातियों से जातिगत जनगणना कराने का वादा किया और बीजेपी पर ओबीसी को 27% आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी बता दिया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन आयोजित, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया सम्मेलन में वादा, जातिगत जनगणना कराने की कमलनाथ ने कही बात, भाजपा पर कमलनाथ ने साधा जोरदार निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में जातिगत जनगणना की वकालत की। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है। सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि यह पोल खुल जाएगी। वहीं कांग्रेस के आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा भी किया गया। अब मजबूती से कह सकता हूँ, पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों है? ये तो उन्होंने साफ कहना चाहिए, तो न्याय है। दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। जाति मतगणना ये नहीं कराते क्योंकि ये पोल खुल जाएगी 55%। इसीलिए कभी जाति मतगणना नहीं कराएंगे। पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कराएंगे, हम आवश्यक कराएंगे, क्योंकि सबको जानकारी हो, पूरे प्रदेश में सबको जान पा रही हो, किसी समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो, राजपूत समाज के हो, लोधी समाज के हैं, कुर्मी समाज के हो, उनको पता तो चले हमारे समाज के कितने लोग हैं, इसमें कौन सी परेशानी है। पर ये नहीं करना क्योंकि नियत नहीं है। कह देना बहुत आसान है, मेरे पास तो कोई ऐसा सम्मेलन नहीं किया था आपने 27% के लिए, पर मैंने मन में ठानी हुई थी कि मैं कानून बनाऊंगा। कोई ऐसे मेरे पास लोग नहीं आते थे, करिए करिए, मेरे पीछे नहीं पड़ता था। पर ये बात दिमाग से नहीं चलती है, ये बात दिल से चलती है। और इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण का समर्थन किया। देखिए, ये जो आरक्षण का जो पूरा इतिहास है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से लेकर अभी तक का, आज मैंने अपने स्पीच में क्रमवार बताया। जब ये मणिशंकर अय्यर कमेटी ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तब मैं उनकी मदद कर रहा था और ओबीसी का आरक्षण का हमने प्रोविजन उसमें डलवाया था। 1993 में जब मध्य प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे पंचायती राज अधिनियम आया और नगर पालिका के अधिनियम में भी अमेंडमेंट्स आए, उसमें 27% रिजर्वेशन हम उस वक्त ले आए थे और 10 साल तक वो आरक्षण चला। कई म्यूनिसपैलिटी के चुनाव उसके बेसिस पे हुए, कोई विवाद नहीं था। सर, अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत चुनाव निकाल, क्योंकि उसके बाद दिक्कत आई कि जब बीजेपी की सरकार आई तो तुरंत इसको स्टे करवा दिया गया। 27% आरक्षण की जो बात कही गई थी, उस समय मैं भी कैबिनेट में था, सर्वसम्मति से कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे कैबिनेट ने ये पास किया था, उस पर स्टैंड करते हैं। और जो जाति जनगणना की बात उन्होंने कही है, उस पर कांग्रेस स्टैंड कर रही है। और ओबीसी का भला केवल कांग्रेस की सरकार बनने पर, कमलनाथ जी की सरकार बनने पर होगा। इस मौके पर सम्मेलन में ओबीसी समाज ने कमलनाथ को ज्ञापन देकर 115 विधानसभा टिकट देने की मांग रखी। बताया गया कि अब 10 सितंबर को भोपाल में ओबीसी महापंचायत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।